अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtechstore.com और आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इससे एक सिमिलर प्रोडक्ट का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, और जो कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को बाय किया उनका भी एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। सो मैं बात कर रहा हूँ सब ब्रांड के गेम बॉक्स की, और आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये M3 मॉडल में 2021 में लॉन्च किया जाने वाला एक पोर्टेबल गेम बॉक्स है। इससे पहले आने वाला जो सब गेम बॉक्स था उसके अंदर जो थी आपको 8 बिट्स की गेम्स मिलती थी, जो कि आम जब हम कैसेट्स वाली जो उसमें गेम्स होती थी वो आपको उसके अंदर सारी मिल जाती थी, जैसे उसके अंदर स्नो ब्रोस, मारियो और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा 8 बिट वाली गेम्स उसके अंदर आपको मिल जाती थी। M3 जो है ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, इसकी रोम भी ज़्यादा है, इसकी रैम भी ज़्यादा है, इसी तरह इसके अंदर गेम्स की जो एमुलेशन है वो भी इसके अंदर जो है काफ़ी पिछले वाले मॉडल से इसके अंदर इन्हेंस कर दी गई है। सो M3 जो ये गेम बॉक्स है ये 3 इंच के कलर डिस्प्ले में आता है। इसके अंदर एक आपको छोटा सा जॉयस्टिक मिल जाता है जो कि इस तरह रोटेट होता है, इसी तरह बटन्स भी इसके अंदर आपको ज्यादा मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 4 GB तक की जो है मेमोरी मिल जाती है, जो कि अंदर इसके अंदर मेमोरी SD कार्ड के थ्रू जो है वो इसमें है रोम की मेमोरी। इसी तरह इसके अंदर रैम भी अपडेट कर दी गई है। इसके अंदर गेम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 900 गेम्स हैं और इसके अंदर डिफरेंट कंसोल्स की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की गेम्स जो है इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। इसके अंदर नियो जियो की गेम्स भी हैं, गेम बॉय एडवांस की गेम्स भी हैं, इसी तरह इसके अंदर 2-3 और प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे। निंटेंडो की भी गेम्स है इसके अंदर। सो जितने भी 88 बिट और 16 बिट वाली गेम थी इसके अंदर आपको सारी वो मिल जाएंगी। सो कुछ सेलियंट गेम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप मेटल स्लग प्ले कर सकते हैं नियो जियो वाली, इसके अंदर आप किंग ऑफ फाइटर प्ले कर सकते हैं 1997 वाली, इसी तरह स्ट्रीट फाइटर है इसके अंदर, और इसी तरह 2 से 3 गेम्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त गेम्स हैं और उस दौर की जो है हाईलाइटेड गेम्स है जो टाइटल आप इसके अंदर इजीली प्ले कर सकते हैं। सो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका रिव्यू भी करते हैं और आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद। स्टे विद अस। तो ये आप सब M3 गेम बॉक्स का बॉक्स देख सकते हैं। पिछले वाले मॉडल से काफ़ी इसका बॉक्स जो है इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेक्स लिखी हैं जिसमें लिखा हुआ है 1020 mAh की बैटरी है, 3 इंच का डिस्प्ले है इसका, और इसी तरह 125 ग्राम इसका वेट है। इसी तरह इसके अंदर आपको 3 मीटर की AV केबल भी दी जाती है और एक चार्जिंग केबल भी दी जाती है, और यहाँ पे गेम्स के रिलेटेड जो है वो बताया हुआ है। अच्छा, गेम्स में काफ़ी कंसोल्स आते थे तो वो सब कंसोल की गेम्स इसमें जो है कैटेगरी वाइज हैं, जो कि आगे मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगा। नेस की गेम्स हैं, 280 गेम हैं, SFC की 103 गेम हैं, गेम बॉय एडवांस GBA उसकी 210 गेम्स हैं, मेम की 80 गेम्स हैं, MD की 218 गेम्स है, टोटल 899 गेम्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर गेम्स काफ़ी हाईटेक हैं, बहुत ज़बरदस्त गेम्स हैं। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमारे पास ये बड़ा हमारा खूबसूरत सा गेम बॉक्स आ जाएगा, जिसको मैं साइड पे रख देता हूँ, और इसी तरह इसके नीचे वाली ट्रे में देखेंगे तो एक ये चार्जिंग केबल आ जाएगी, USB माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। इसके अलावा एक यहाँ पे हमारे पास जो है AV केबल आ जाएगी। ये AV केबल लगा के आप इसका TV में और या LCD में जो है इसका डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, जैसे प्रीवियस मॉडल का था। यहाँ पर आप ये लगाएँ और आगे आप डिस्प्ले इसका TV वगैरह में ले सकते हैं। सिंपल इज दैट। सो ये हमारा गेम बॉक्स है। गेम बॉक्स में बैक साइड पे यहाँ पे जो है नोकिया की बैटरी डलती है। ये अगर बैटरी ख़राब भी हो जाए तो ये बहुत सस्ती बैटरी मिल जाती है 100-150 रुपीज़ की। तो इसी तरह जो है ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, और ऊपर वाली तरफ देखें तो ऊपर से प्लेन है, इस तरफ देखें तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए वेरिएबल है, यहाँ पे टीवी आउटपुट की पोर्ट है, यहाँ पे चार्जिंग की पोर्ट है माइक्रो USB। इस साइड पे जो है ये एक मेमोरी कार्ड दिया हुआ है, ये 4 GB का माइक्रो SD कार्ड है। इसके अंदर इसकी गेम्स हैं सारी इंस्टॉल्ड। इस गेम बॉक्स की जो CPU है उसके अंदर इसका एक एमुलेटर हुआ है, और एमुलेटर के अंदर गेम्स करने के लिए जो है उसकी स्पेस इस कार्ड से आएगी। मतलब ये 4 GB का कार्ड होता है, तो माइक्रो SD कार्ड है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा नर्ड हैं तो आप इसकी गेम्स एक्स्ट्रा डाउनलोड करके भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो इन जो स्पेसिफाइड कंसोल्स थे उनकी गेम्स हो। सो ये हमारा मेन यूनिट है, यहाँ पे सिलेक्ट है, स्टार्ट है, इसी तरह होम है, यहाँ पे 6 बटन्स हैं और यहाँ पे जो है ये एक इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का जो है ये नेविगेशन के लिए एक दिया हुआ है जो कि इससे पहले किसी भी गेम में इस तरह का नहीं दिया था। यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है और बहुत ही सिंपल सा ये बॉक्स है। ये इस तरह का इसका डिस्प्ले है और ये जो इसमें थोड़ा सा एक फेड आ रहा है ये कैमरे के FPS की वजह से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जब आप स्क्रीन को देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन होगी। ये 3 इंच का इसका कलर डिस्प्ले है जो कि बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है और ब्राइटनेस लेवल्स भी इसके बहुत शानदार हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है मेन हाईलाइटेड गेम्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, जैसे ये कैंड्रल डायनो के नाम से गेम है, बहुत फेमस गेम है। यहाँ पे इसी तरह वॉरियर फेट है, किंग ऑफ फाइटर 97, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, बॉम्ब मैन, इसी तरह और लेजेंड और यहाँ पे मेटल स्लग। ये हाईलाइटेड गेम्स हैं इसकी जो कि ज़्यादा हाइप वाली गेम्स हैं या बड़ी गेम्स हैं। इसी तरह अगर ये हम नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिफरेंट कंसोल्स हैं और इनकी कैटेगरी बनी हुई है। इसके अंदर इन कंसोल की गेम्स होंगी, जैसे यहाँ पे नेस की गेम्स होंगी या गेम बॉय एडवांस की गेम्स होंगी, यहाँ पे एसएफसी की गेम्स होंगी और इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास एमटी की गेम्स हैं और यहाँ पे मैम की गेम्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे एफएम भी है, इसके अंदर आप एफएम भी सुन सकते हैं और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल सेटिंग, पावर सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें कोई इतना जो है लंबा चौड़े सेटिंग्स के ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन जो मेन मेन्यू यहाँ पे है सारा। इसमें 1 बाय 1 मैं कोई एक गेम प्ले करके दिखाऊंगा और आपको एक लिस्ट ऐसे जो है एक बार उसमें शफल करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए में कौन कौन सी गेम्स हैं। सबसे पहले ये NES की गेम्स हैं, इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे देखते रहें। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये सारी फाइल जो हैं ये इसकी एक्सटेंशन भी आगे दी हुई है, तो आपने अगर नेट से गेम करनी है तो वो .NES की एक्सटेंशन से करनी है इसमें। ये सारी गेम्स हैं इसके अंदर और ये बहुत ज़बरदस्त गेम्स हैं सारी इसके अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। मैं इनमें से कोई एक प्ले करके देखूंगा। स्ट्रीट फाइटर लगा के देखता हूँ मैं कैसी है गेम। स्ट्रीट फाइटर लग चुकी है। स्ट्रीट फाइटर है। इसी तरह इसमें हमारे पास ये इस तरह का लोड और सेव का भी ऑप्शन है। एनीहाउ काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं इसमें और यहाँ पे जो है गेम बॉय एडवांस की गेम्स हैं, ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंस गेम्स होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठीक होती हैं ये भी गेम्स। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये एसएफसी की गेम्स हैं, यहाँ पे आप देखें काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं, मतलब कि यू नेम इट यू हैव इट, इतनी ज़्यादा इसमें गेम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे और भी है ये गेम्स सारी, मतलब कि बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, मतलब 800-900 गेम्स हैं, कोई मजाक नहीं है। स्ट्रीट फाइटर वगैरह भी जो हाईलाइटेड गेम्स हैं वो भी हैं इसके अंदर सारी, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गेम्स हैं। मैं और यहाँ पे एफएमएस के लिए यहाँ पे हमें जो है वो हैंड फ्री लगानी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक ये गेम है, कैंडी लैक डायनोस का नाम है और बहुत ज़बरदस्त ये फेमस गेम है इसके अंदर। तो फाइटिंग बेस्ड गेम है और बहुत ही एडिक्टिव इसका गेम प्ले है। राउंड इसका मेरे ख्याल से 10 to 15 और का इसका गेम प्ले होगा ओवरऑल। इसी तरह मेटल स्लग गेम भी है इसके अंदर, आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस गेम है, बहुत एडिक्टिव गेम प्ले है और इसी तरह इसके अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त इसका गेम प्ले है। आप ये देख सकते हैं जॉयस्टिक इसका बहुत रिस्पॉन्सिव है। आप ये देखें सारा काम जो है जॉयस्टिक का है, बटन भी इसके बहुत ज़्यादा क्लिकी हैं। तो गेम प्ले आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। ये भी अराउंड मेरे ख्याल से 20-25 स्टेजेस की गेम है और बहुत ज़बरदस्त गेम है। होपफुली आपको M3 गेम बॉक्स पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से जितनी कीमत है इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 900 गेम्स और सारी गेम्स जो हैं वो मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छे कंसोल्स वाली गेम इसके अंदर जो है वो प्ले कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल होता है, इसके अंदर नोकिया की बैटरी लगती है जो कि इजीली रिप्लेसेबल है। आप इसको मतलब रिचार्ज करते रहे, जब इसका कभी कुछ अरसे बाद बैटरी टाइम कम हो जाएगा तो आप इसकी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। इसी तरह इसके अंदर टीवी आउटपुट का भी फीचर है जो कि लास्ट वाले सब मॉडल में भी था, इसके अंदर भी आपको टीवी आउटपुट का फीचर मिल जाता है। इसी तरह आप सब M3 गेम बॉक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए mtechstore.com। साथ ही साथ जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर टूडेज वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।